आज के वीडियो में मैं आपको 352 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती हैं उसी तरह मैंने 352 की दो ब्रांचेज बनाई। लेफ्ट साइड आपको हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा, राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 2 × 176 352 हुआ। राइट साइड अभी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो इसका मतलब फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 2 × 88 176 हुआ। राइट साइड प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ाएंगे। 2 × 44 88 हुआ, अब भी राइट साइड प्राइम नंबर नहीं आया। फिर 2 × 22 44 होता है, अब भी राइट साइड लेकिन प्राइम नंबर नहीं आया। फिर 2 × 11 22 होता है, राइट साइड 11 आया जो कि एक प्राइम नंबर है, तो यहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज़ हो गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत, तो आपको लेफ़्ट टू राइट चलना होगा। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी प्राइम नंबर ही मिलेंगे। इन प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। तो 5 × 2 × 11 मैंने किया तो मेरे को 352 मिला, और इसी की मुझे फैक्टर ट्री बनानी। तो इसका मतलब है कि ये मेरी फैक्टर ट्री जो है एकदम सही है, एंड 5 × 2 × 11 352 के प्राइम फैक्टर्स होंगे।